16 साल की एज में वो अपने घर से अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ भाग गया और एक राइस स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम किया। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर कोरिया में जापान का रूल था और वॉर के टाइम पर जापान ने सारे राइस स्टोर को अपने अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से चंग की मेहनत से बनी हुई ये स्टोर उनसे एक ही झटके में छीन ली जाती है। वॉर खत्म होने के बाद जब जापान कोरिया से चला गया, तब चंग वापस से सोल आते हैं और अपनी बिजनेस को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था। जस्ट इमेजिन, एक बंदा जिसके लिए एक वक्त का खाना मैनेज करना भी मुश्किल था, आज वो 1,00,000 करोड़ की कंपनी ओन करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंडई के फाउंडर चंग यू यंग की। 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो इनका सपना था टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। बचपन से ही वो अपनी फैमिली के साथ खेतों में घंटों काम किया करते थे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बहुत सी ऐसी रातें होती थी जिसमें उनको भूखा ही सोना पड़ता था। चंग पास के एक गांव में लकड़ियां बेचने जाया करता था। वहां उसने देखा कि वहां के लोगों के पास सफिशियंट खाना है और अच्छे कपड़े भी हैं, वो भी बिना खेतों में काम किए हुए, और ये बात चंग को बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी। इसलिए वो कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता था अपनी लाइफ को बेटर करने का। एक दिन उसको पता चला कि पास के शहर में ही एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जहां पर वर्कर्स की डिमांड है। 16 साल की एज में वो अपने घर से अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ भाग गया और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने चला गया। तकरीबन 2 महीने तक सब सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद चंग पकड़ा गया। चंग के फादर ने उनको ढूंढ लिया और उनको वापस गांव लेकर आ गए, जहां पर वो फिर से फार्मिंग करने लगा। उनके वापस आने से उनकी फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन 2 महीनों में चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जग गया था। उनको ये बात अच्छे से पता थी कि खेत में काम करने से उनकी गरीबी नहीं हटने वाली है, इसलिए वो दोबारा भाग जाते हैं। लेकिन दोनों बार ही उनके फादर उनको कुछ ही दिनों में ढूंढकर वापस घर ले आते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार वो भागकर सोल पहुंच जाते हैं, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। इनिशियली वहां उन्होंने एज अ कंस्ट्रक्शन लेबर, फैक्ट्री वर्कर और एक राइस स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम किया। राइस स्टोर के ओनर चंग की काम से इतने इंप्रेस थे कि उनको 6 महीने के अंदर ही एक डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना दिया। चंग ने इस शॉप पे काफी मेहनत किया और स्टोर को अपने दम पर ग्रो किया। 1973 में स्टोर के ओनर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे चंग भी सरप्राइज हो गए। स्टोर ओनर ने चंग की मेहनत को देखते हुए वो स्टोर चंग के हवाले कर दिया। अब 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बन चुके थे। अगले 2 साल तक चंग ने स्टोर पर और मेहनत की और स्टोर को काफी ग्रो कर लिया। यहाँ तक सब सही चल रहा था, लेकिन तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर कोरिया में जापान का रूल था और वॉर के टाइम पर जापान ने सारे राइस स्टोर को अपने अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से चंग की मेहनत से बनी हुई ये स्टोर उनसे एक ही झटके में छीन ली जाती है। चंग इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा बिजनेस ऑप्शन ढूंढना शुरू किया जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। उन्होंने कार रिपेयर सर्विस का बिजनेस शुरू किया। 1940 में 3000 वोन का लोन लेकर चंग ने एडो सर्विस गैराज के नाम से एक गैराज सर्विस खोला, लेकिन किस्मत चंग के साथ नहीं थी। गैराज खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई और जिसमें सब कुछ जल गया। चंग को अब अपना लोन भी रिपे करना था और कस्टमर्स के जो लॉसेज हुए थे उसको भी कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर टूट जाता है और टाइम के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन चंग ने हर बार की तरह हार नहीं मानी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया और उन्होंने 3500 वोन का दूसरा लोन लिया और पहले से अच्छा गैराज खोला। चंग ने नोटिस किया कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कार टाइम पर डिलीवर नहीं होना, कार रिपेयर में हफ्तों लगना, और इसकी वजह से उन्होंने स्पीड को ही अपना USP बनाया। जहां दूसरे गैराज रिपेयर करने में 20 दिन लगाते थे, वही काम चंग की गैराज में 5 दिनों में हो जाता था। ये स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1943 तक उनका वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉयज तक ग्रो कर चुका था। अब तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी एक और डिजास्टर हुआ। जापान को वर्ल्ड वॉर टू के लिए वॉर रिलेटेड
इक्विपमेंट्स बनाने थे। इसके लिए एक बार फिर जापान ने सारे गैराज को अपने अंदर ले लिया और लोकल स्टील मैन्युफैक्चरर से मर्ज कर दिया। और अब दूसरी बार उनकी सालों की मेहनत से खड़ी की गई बिजनेस को उनसे एक झटके में छीन लिया गया। चंग वापस से जीरो पे आ चुके थे। बात इतनी खराब हो गई थी कि उनको उनके फैमिली के साथ गांव वापस लौट के जाना पड़ा। वॉर खत्म होने के बाद जब जापान कोरिया से चला गया तब चंग वापस से सोल आते हैं और अपनी बिजनेस को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस पुराना था लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न होता है। देखते ही देखते 1947 में चंग ने एक नई अपॉर्चुनिटी देखी और हुंडई सिविल वर्क्स को एस्टैब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ले ली। शुरुआत में इनको छोटे मोटे काम मिला करते थे लेकिन 1950s तक इनको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और यहाँ से चंग का मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन बन चुका था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से इनकी किस्मत इनका साथ दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सब ठीक ही चल रहा था कि कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया जिसमें मेजर टारगेट सोल शहर ही था, जिसकी वजह से एक बार फिर चंग को अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर भागना पड़ा। इस क्राइसिस के बाद भी चंग टूटे नहीं। वॉर में यूएसए साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को फाइट कर रही थी, जिसमें उन्हें टेंट, वेयरहाउसेस, आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग को ये पता था कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस उनको टाइमली डिलीवरी चाहिए। चंग ने एक छोटी सी एक टीम बनाई और काम शुरू किया और चाहे जो भी हो जाए चंग कमिटमेंट को पूरा करते थे। इस वजह से काफी बार उनको लॉस भी हुए लेकिन अमेरिकन की नजर में चंग एक ट्रस्टेबल सोर्स बन चुके थे। इसलिए 1952 में वॉर खत्म हो जाने के बावजूद चंग को अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे थे। सिर्फ यही नहीं, यहां से चंग की हुंडई ने साउथ कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी एक मेजर रोल प्ले किया। साउथ कोरिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाया था। 1960s में आते आते चंग अपने 50s में चले गए थे और एक बार और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बन चुके थे, लेकिन चंग अभी तक इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे, अब उस पर चलने वाली कार्स बनाना चाहते थे और इसके साथ ही 1967 में चंग ने एस्टैब्लिश की हुंडई मोटर्स। 1968 तक हुंडई ने फोर्ड के साथ एक डील साइन करी जिसमें वो फोर्ड की कॉर्टिना कार्स को असेंबल करते थे। दो साल के सक्सेसफुल रन के बाद जब फोर्ड को यह पता चला कि हुंडई अपनी कार्स बनाना चाहती है तो उन्होंने हुंडई के साथ अपना डील कैंसिल कर दिया। हुंडई ने दूसरी कंपनीज को अप्रोच किया जिसमें जीएम मोटर्स, फोक्सवैगन जैसी कंपनियां शामिल थी, लेकिन इन कंपनियों ने हुंडई का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसी साल हुंडई ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स के साथ एक डील साइन करा जिसमें मित्सुबिशी कार बनाने की टेक्नोलॉजी हुंडई को ट्रांसफर करती। इस डील की सबसे अच्छी बात ये थी कि चंग अपनी कार्स को हुंडई के ही नाम से बेच सकते थे। 1976 में हुंडई ने अपनी पहली मास प्रोड्यूसिंग कार बनाई जिसका नाम हुंडई पोनी था। ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल थी कि देखते ही देखते हुंडई ने साउथ कोरिया की कार मार्केट का 60% कैप्चर कर लिया। ये कार साउथ कोरिया में जितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी, देश के बाहर ये कार उतनी ही डिजास्टर थी, जिसका कारण था अफोर्डेबल प्राइसिंग। अफोर्डेबल प्राइसिंग होने की वजह से कार क्वालिटी काफी चीप थी और जिसकी वजह से हुंडई 7 साल तक लॉस में रही। चंग को लोगों ने हुंडई को बंद करना सजेस्ट किया लेकिन चंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चंग ने एक नई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी जिसमें वो 3 लाख कार्स प्रोड्यूस कर सकते थे। कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ नहीं आ रहा था, आखिर 3000 कार की मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, लेकिन चंग को पता था वो क्या कर रहे हैं। साउथ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी जिसकी वजह से कुछ सालों में ही काफी लोग पॉवर्टी लाइन से निकल गए थे और इसकी वजह से कार की डिमांड बढ़ रही थी। हुंडई ने पोनी 2 लॉन्च किया और इस बार ना ही सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि बाकी कंट्रीज में भी ये कार एक सक्सेसफुल रही और कुछ सालों में ही हुंडई 4 लाख कार्स बेच चुकी थी और इसके साथ ही वो प्रॉफिटेबल भी बन चुकी थी। हुंडई ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश हो रही थी लेकिन वर्ल्ड की बिगेस्ट और टफेस्ट कार मार्केट को क्रैक करना अभी बाकी था। हुंडई ने देखा कि कॉम्पैक्ट कार का मार्केट यूएसए में जापान की कंपनीज ने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है और मिड एंड लार्ज कार्स का मार्केट यूएसए की खुद की कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार का कॉन्सेप्ट शुरू किया जहाँ कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ ही हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकेंड हैंड कार्स का मार्केट काफी बड़ा था, इसलिए हुंडई ने अपनी न्यू कार हुंडई एक्सेल को इन कस्टमर्स को सेकेंड हैंड कार के प्राइस में ऑफर कर दिया, जिसके साथ ही वो 5 साल की वारंटी भी ऑफर कर रहे थे। इस स्ट्रेटजी ने यूएसए की कार मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। सेकेंड हैंड कार बायर्स तुरंत ही हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए और 1986 में हुंडई ने यूएसए में 1,70,000 कार्स बेची। ये नंबर 1987
आते आते 260,000 बन चुका था और यहाँ से Hyundai ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी बन चुकी थी। उसी साल चंग ने 72 की एज में Hyundai से रिटायरमेंट ले लिया और उनके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और उसी डिटर्मिनेशन से Hyundai को चलाया। Hyundai आज दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कार कंपनी है। वैसे तो लोग Hyundai को सिर्फ एज अ कार कंपनी ही जानते हैं, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि Hyundai 42 अलग अलग चीजों में डील करती है, जैसे कि Hyundai एलिवेटर्स, Hyundai इन्फोटेक एंड Hyundai हैवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और ये सब हो पाया सिर्फ एक बंदे की वजह से, जिसके पास ना तो खाना था, ना पैसा था, ना एजुकेशन थी, लेकिन उसके पास पैशन था टू डू समथिंग बेटर। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।